आप देख रहे हैं ghamasan.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। रावण था दुनिया का पहला पायलट, श्रीलंका सरकार करेगी इस बात पर अब अध्ययन। जी हां, श्रीलंका सरकार का मानना है कि रावण दुनिया के पहले विमान चालक थे और उन्होंने 5000 साल पहले उड़ान भरी थी। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने प्राचीन काल में उड़ान भरने के लिए रावण द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझाने के लिए पहल शुरू की है। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शशि दानतुंगे ने कहा कि उनके पास ये साबित करने के लिए फैक्ट है कि रावण विमान का उपयोग करने वाला और उड़ाने वाला पहला व्यक्ति था। दानतुंगे ने कहा कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वो उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे, वो एक विमान चालक थे। ये पौराणिक कथा नहीं है, ये एक तथ्य है। इस पर एक विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। अगले 5 वर्षों में हम ये साबित करेंगे। कार्टून आई के में नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ बुधवार को श्रीलंका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंदर नायक स्थित है। सम्मेलन में निष्कर्ष निकाला गया कि रावण ने 5000 साल पहले श्रीलंका से आज के भारत के लिए उड़ान भरी थी और वापस आ गया। हालांकि कई लोगों ने इन कहानियों को खारिज कर दिया कि रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। उनका दावा था कि एक भारतीय कहानी है और रावण एक महान राजा था। श्रीलंका में प्राचीन लंका के राजा के बारे में इन दिनों रुचि है। श्रीलंका ने हाल ही में रावण नाम के उपग्रह को पहले अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है। श्रीलंका में कई लोग मानते हैं कि रावण एक परोपकारी राजा और विद्वान था। यहाँ तक कि कुछ भारतीय धर्म ग्रंथ उन्हें महाब्राह्मण के रूप में बताते हैं, जिसका अर्थ है एक महान ब्राह्मण या एक महान विद्वान। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।